दो कदम भैया इधर देखिए, थोड़ा लगनी यही है भाई, पीछे भाई मोबाइल हटाओ भाई, इनके संगे दो हजार 2019 लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत सरकार के लिए एक संकल्प लिया गया था। उस संकल्प में यह था कि पूर्ण बहुमत की सरकार अगर बनती है मोदी के नेतृत्व में तो 125 किलो का स्वर्ण मुकुट संकट मोचन हनुमान जी को अर्पित करेंगे। संपूर्ण हुआ और हमने उस मुकुट को संकट मोचन हनुमान जी को अर्पित किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में यह हुआ कि हमारे काशी के सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अगर तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम संकट मोचन हनुमान जी के सामने विराजमान राम दरबार में स्वर्ण मुकुट अर्पित करूंगा और प्रभु की कृपा से हम काशीवासियों का एक संकल्प पूरा हुआ और उनका कल जन्मदिवस है। आज जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर हम उसको प्रभु राम दरबार में समर्पित करेंगे। क्या उद्देश्य है मुकुट चढ़ाने के पीछे, क्या उद्देश्य है और मुकुट का वेट कितना है? देखिए सदियों में मोदी जैसा नायक पैदा होता है, राजनेता पैदा होता है और हम भारतवासियों का सबका कर्तव्य बनता है कि उनको जिस भी रूप से हो मदद किया जाए जिससे कि हमारा राष्ट्र मजबूत हो। और मेरा प्रयास है कि भक्त के माध्यम से राष्ट्र को शक्ति कैसे दिया जा सकता है, मेरा ये छोटा सा प्रयास है। सर किस तरीके से इसको तैयार किया गया है, कितने लोग ने मिलकर इसको तैयार किया? सर आ रही है 6 कारीगर मिलकर के 90 दिन में जो है इसको तैयार किए हैं और सबसे बड़ी खूबी की बात है कि ये सब कारीगर बनारस के हैं और भव्य मूर्ति को आकार देने का उन्होंने बड़ा योगदान किया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ।